सीधी बात, नो बकवास। जिन भी रोगियों के पथरी की समस्या है और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन बताया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन होम्योपैथी के अंदर एक ऐसी दवाई है जिससे आप अपनी पथरी को मात्र 21 दिन के अंदर जड़ से खत्म कर सकते हैं। साथ साथ आपको पथरी बनने की समस्या दोबारा नहीं देखने को मिलेगी, बिना ऑपरेशन के पथरी निकल जाएगी, शरीर में ना कोई चीरफाड़ करने की जरूरत, मामूली सी दवाई है, डेली दवाई दो टाइम लेनी है, 21 दिन के अंदर पथरी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं डॉक्टर एस फोगाट, मदर हॉस्पिटल हिसार। आज हम बात करेंगे पथरी बनने की समस्या किन वजह से आती है। सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारी किडनी है, किडनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे पथरी अटक जाती है, कई बार लोअर कोर्टेक्स पे, कई बार मिडल कोर्टेक्स पे और कई बार अपर कोर्टेक्स पे। जो अपर कोर्टेक्स की है पथरी वो जल्दी निकल जाती है, लेकिन जो लोअर कोर्टेक्स पे पेशेंट को पथरी की समस्या आती है वो पथरी दिक्कत करती है पेशेंट को। तो इसमें होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है, होम्योपैथी में काफी ऐसे सैकड़ों मेडिसिन है जो पेशेंट का नेचर, फिजिकल सिम्टम्स और जनरल सिम्टम्स निकाल के ही पेशेंट को दी जाती है, जो पेशेंट के लिए इफेक्टिव रहती है। केवल ये तो आपकी किडनी की स्टोन है, इसके अलावा काफी पेशेंट्स को गाल ब्लैडर स्टोन भी देखने को मिलती है। ये हमारा गाल ब्लैडर है, काफी ऐसे पेशेंट कहते हैं कि गाल ब्लैडर की पथरी नहीं निकलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पेशेंट का नेचर और फिजिकल और जनरल सिम्टम्स निकाल के जो दवाई दी जाती है वो गाल ब्लैडर की स्टोन को भी निकाल देती है। काफी पेशेंट ये कहते हैं कि गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा के आप अपनी बीमारी को खत्म कर सकते हो, लेकिन एक तो आप ऑपरेशन करवा रहे हो, इसके साथ साथ आपको जो डाइट है, डाइट भी आपको पर्टिकुलर फॉलो करनी पड़ती है। जो डाइट आपका नहीं, अगर नहीं ले पाते तो उसके साथ साथ आपको और भी साइड एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पेशेंट को डाइजेशन की दिक्कत आती है, खान पान में और कुछ इशू रहता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ये सिम्टम्स जनरली देखने को मिलते हैं। लेकिन आप होम्योपैथी से अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, एक अच्छे फिजिशियन से आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो आपके सिम्टम्स देख के आपको दवाइयाँ देता है जिससे आपकी पथरी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगर हम जनरली बात करें तो काफ़ी पेशेंट बल्बैरिस वल्गैरिस मेडिसिन लेते हैं, जो होम्योपैथी मेडिसिन है। ये मेडिसिन लोग दावा करते हैं कि ये मेडिसिन बिल्कुल पथरी निकाल देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर एक मेडिसिन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बल्बैरिस वल्गैरिस है इसका अपना नेचर है, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उन पेशेंट के लिए इफेक्टिव है जिनका इस मेडिसिन के साथ उनका साइन सिम्टम्स मैच करते हैं। अगर आपके साइन सिम्टम्स इस मेडिसिन के साथ मैच नहीं करते हैं तो आप चाहे बल्बैरिस वल्गैरिस ले लो या आप और भी कोई मेडिसिन ले लो, जब तक आपके साइन सिम्टम्स मैच नहीं करेंगे तब तक आपकी पथरी नहीं निकलेगी। तो दोस्तों, मेरी यही राय है कि पेशेंट को, जिन भी पेशेंट को ये समस्या है, वो अपना एक अच्छे फिजिशियन से आपका केस चेकिंग करके आप अपनी मेडिसिन लें। इसके अलावा अगर जनरली हम बात करें तो पेशेंट को डिहाइड्रेट नहीं होने देना रहता है इस कंडीशन में। जितना ज़्यादा पेशेंट पानी का इंटेक इम्प्रूव करेगा उतना पेशेंट के लिए अफेक्टिव रहता है। इसके अलावा क्या डाइट ले रहा है पेशेंट, की डाइट के अंदर क्या है, कितना हेल्दी खाना खा रहा है, वो भी एक पथरी का कारण रहता है। इसके अलावा काफ़ी पेशेंट बियर लेनी स्टार्ट कर देते हैं, ये सोचते हैं कि बियर से मेरी पथरी निकल जाती है, ये एक मिथ है लोगों के दिमाग में। बियर कभी पथरी नहीं निकालती है, वो भी बेसिक से आपकी जो पानी का इंटेक है उसको इम्प्रूव करती है, जिससे किडनी अच्छे से फिल्ट्रेट कर पाती है, जिससे आपकी पथरी ईजिली निकल जाती है। होम्योपैथी में भी जो पथरी है वो क्रश होके निकलती है, छोटे छोटे कणों में टूट टूट के निकलती है। काफ़ी पेशेंटों के अगर 15-15 mm 20-20 mm की भी पथरी है तो वो छोटे छोटे कणों में टूट के निकलेगी, जिसमें पेशेंट को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, ना कोई दर्द होगा, ना पेशेंट को और सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा काफ़ी पेशेंट ये सोचते हैं कि जो खाने में पेशेंट पत्थर खा लेते हैं या पथरी के कण खा लेते हैं उस वजह से पथरी होती, वो भी एक कारण नहीं रहता पथरी का। या फिर जो TDS लेवल है, TDS लेवल के ज़्यादा होने की वजह से भी पथरी होती है, ये सारे मिथ हैं, इनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई है, ये कोई कारण नहीं है। जनरली पेशेंट के पथरी बनने के अलग अलग कारण हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा है या यूरिक एसिड का ज़्यादा है तो आपको यूरिक एसिड स्टोन होगी, अगर आपको कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा है तो कैल्शियम स्टोन होगी। इसके अलावा और भी काफ़ी टाइप की स्टोन पाई जाती हैं बॉडी में, वो अलग अलग पॉजिटिव फैक्टर्स के भी आप पे पेशेंट को बताई जाती है। जिन भी रोगियों को बिना ऑपरेशन के बिल्कुल सस्ते में अपनी पथरी निकलवानी है तो अभी संपर्क करिए, ताकि पेशेंट को ना कोई ऑपरेशन की दिक्कत आए, ना कोई चीरफाड़ की, और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर, मात्र 21 दिनों के अंदर आप अपनी पथरी को चुटकियों में निकाल पाएंगे। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं
तो इस चैनल को लाइक करिए। आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सकता है आप जिनको भी पथरी की समस्या है उन लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।